अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर के पास एक नहर है और जिसका पानी 2-3 दिन से सूखा हुआ है और इसमें कभी कभार इसमें सीपियां भी होती हैं और जिनमें आपने सुना होगा कि मोती भी होते हैं। ये देखेंगे मेरे पास सीपी पड़ी है और इसे मैं अब निकालने लगा हूँ। मेरे पास 2 छोटी हैं, उनसे निकालूंगा, ऐसे ही कुछ और ना हो अंदर। ये देखें निकल ही नहीं रही है, ये निकल, ये फिर अंदर जा, ये निकल गई है। अब ये देखें एक छोटी सी सीपी है, ये देखें ये भी पानी के अंदर हिल रही है, हमें तो पता ही नहीं है क्यों हिल रही है। ये देखें यहाँ से हिल के आई है और ये देखें ये है इसकी लाइन, ये निकल आ रही है। ये अभी से भी हम लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें ये क्या है इसके अंदर, ये देखें ये देखें पानी उधर भेज रही है। ये देखें ये सीपी पड़ी हुई है, ये देखें कैसे अंदर को जा रही है, ये और भी नीचे जाती जा रही है। ये देखें इसे हम निकालेंगे, ये देखें फिर अंदर चली गई है, जो ये निकल आई, निकल आई है, ये पड़ी है, ये भी देखें इसकी दूसरी साइड ये मट्टी लगी हुई है इधर, देखें ये देखना। और अब हम इसे और एक और भी उधर पड़ी है, एक वो छोटी पड़ी है, इन तीनों को इकट्ठी करके घर ले जाएंगे। देखें ये अब मैं इनसे डरता हूँ और इसे मैं इसीलिए लकड़ियों से और जूते से निकालूंगा और ये निकाल लिए, अब इसे लेकर जाऊंगा, ये देखने कैसी है अंदर। ये देखें अभी भी ये जिंदा है, लेकिन इसे अभी मैं पानी के अंदर नहीं रखूंगा, ये फिर वापस भाग जाएंगे। ये देखें ये 3 इधर पड़ी हुई है, ये तीसरी आ गई है, ये देखें इसके अंदर ये 2 पहले की रखी हुई है और ये एक रख दी है, अब इन्हें अब मैं घर ले जाऊंगा। मेरा भाई तो बहुत डरपोक है और वो ना सीपियों से बहुत डरता है और इसीलिए तो वो स्टिक से निकाल रहा था, सोटी से और जूते से। मैं तो ऐसे ही हाथ में पकड़ के निकाल लेता हूँ। ये देखिए पानी कैसे निकल रहा है अंदर से इसके। और मेरे भाई ने तो 3 पकड़ी हैं, अब मैं एक पकड़ ली है, अब 4 हो गई हैं। अब मैं इसे घर ले जाऊंगा और देखूंगा अंदर से कैसी। भाई तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहा है? अभी कांप तो नहीं रहे, कांप रहे हैं, देखे है मैंने आगे तुम्हारा हाथ। अब मैं इसे रख दूंगा और जल्दी रखो जल्दी, मैं अभी थक गया हूँ, अब जाके खाना तो खाए, अभी खाया नहीं है सुबह का खाना। ये देखे अब मैंने 4 पकड़ ली है और इन्हें मैं अब घर ले जाऊंगा और इन्हें खोल के देखूंगा कि इनके अंदर से क्या निकलता है और ये कैसी है। ये देखिए अब हम इन्हें उठा के अपने घर लेके जाएंगे, देखे, और अब हम इन्हें खोलेंगे और देखेंगे घर जाके। चलिए चलते हैं, ध्यान से कहीं गिर के मोबाइल ना तोड़ दें, ध्यान से आगे काम। तुम अपना ख्याल रखो, मोबाइल नहीं टूटता, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता। जो उनसे डर रहे थे हाथों से पकड़ के निकालने के लिए, ये देखिए मैं नहीं डरता इससे, हाँ। हाथों से पकड़ लेता हूँ, खुद तो डर रहे थे। देखिए मेरा भाई पीछे से चलता चलता आ रहा है मेरे, मैं तो इससे आगे आगे हूँ। और वो देखिए ये वही छलियों का खेत है जिससे पहले हमने छलियाँ तोड़ी थी, अभी भी माशाल्लाह से बहुत छलियाँ लगी हुई हैं इस पे। हम जा रहे हैं, अब तोड़ेंगे नहीं, हम अब इसे नहीं तोड़ेंगे, हम थक गए हैं इन्हें तोड़ तोड़ के खा खा के। और हम जा रहे हैं घर की तरफ और घर जाके देखेंगे क्या होता है इसके अंदर। देखे आदमी का खोता करोला खड़ा है और ये देखे कैसे खड़ा है, वो इधर का टाटू, ये देखे खाली लगा कहीं मुझे रखा दे, ये देखे कैसे कान खड़े कर रहा है। हम सिपियों को घर ले आए हैं, अब हमने इन्हें धो लिया और हम इन्हें खोल के देखेंगे। हमने सुना है कि इनमें से मोती निकल आते हैं कभी कभार, अब हम इन्हें खोल के देखेंगे। और ये देखें ये तो बड़ी हैं, लेकिन इन्हें अब हम पहले 2 छोटी हैं खोलेंगे, फिर ये 2 बड़ी हैं निकालेंगे। ये देखें तुम खोल लो सुल्तान, यार तुम पकड़ के रखना ये इसे, हाथ तोड़वाओगे मेरा यार, कुछ नहीं होता यार, कुछ लग भी जाएगी तो क्या होगा। ये देखो तोड़ो तोड़ो, ये टूट तो गई है, अब इसे निकाल, ये देख इसके अंदर मोती तो नहीं है, ये पता मोती नहीं। तो नहीं है इसके अंदर, पता नहीं क्या निकल आया है पानी। ये देखिए पता नहीं क्या है अंदर इसके।